सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम आए हुए धलमा ट्रैकिंग पे, तो देख सकते हैं सामने में बंदर सब दिख रहा है और ये नया पिलर बन के तैयार हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं पिलर के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ से पूरा जमशेदपुर का नज़ारा दिखता है। अभी ठंड का समय है तो फॉग की वजह से उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। और ये पुराना टावर है जो सामने दिख रहा है, जिस पे लोग पहले चढ़ते थे। देख सकते हैं अभी इस टाइप से गाड़ी आ रहा ऊपर में, तो इसका रेंट लग रहा है 500 रुपया। तो ये नीचे का पैदल का रास्ता है। और ये सामने में जो दिख रहा है ये हनुमान मंदिर, जो झारखंड का सबसे ऊंचा हनुमान मंदिर है, 3000 फीट की हाइट पर। तो चलते हैं अभी हनुमान मंदिर की तरफ। नीचे देख सकते हैं बंदर सब कपड़ों उछला कूदी चालू है। तो हम आ चुके हैं ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पर बंदर नजर आ रहा है। पहले बंदर सब नहीं आता था ऊपर, क्योंकि लोग इतना ऊपर आ जाते थे तो जिसके कारण जानवर को परेशानी होता था, इसीलिए अभी टू व्हीलर को बैंड कर दिया गया है। आप टू व्हीलर से ऊपर नहीं आ सकते, ओनली 4 व्हीलर अलाउड है, जिसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, अभी आप ऊपर आ सकते हैं। देख सकते हैं सामने में नया वाला पिलर दिख रहा है, यही अभी बनकर रेडी हुआ है। देख सकते हैं सब अपना पर्सनल गाड़ी सुपर है। और ये अभी जो शिव मंदिर जाने रास्ता था उसमें, अब देख सकते हैं सामने में ये नया भी ये घर सब बन के रेडी हो रहा है। आप इसको रेंट पर ले सकते हैं एक दिन के लिए। अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। और ये सामने है शिव मंदिर का द्वार, तो चलते हैं अंदर। देख सकते लिखा हुआ शिव गुफा प्रवेश द्वार, तो चल रहे ऊपर। तो बजाते हैं अब घंटी। तो जमशेदपुर से या पूरे झारखंड से आप कौन कौन आए हैं धलमा शिव मंदिर, कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में पूरा हर हर महादेव से भर दीजिएगा। तो ये भी झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग है शंकर भगवान का। अब यहाँ से चलते अब नीचे। तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। और ये सोच सकते हैं सबसे अद्भुत चीज़ है कि ज़मीन पे गड्ढा खोदने पे कुआं से पानी नहीं निकलता, और 3000 फीट ऊंचा पहाड़ में कुआं है जिस पर पानी भरा हुआ है। ये महादेव की कृपा है।